हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग चैप्टर कैश बुक. टुडे वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 13B. सो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 13th. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 13B. प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स. कैश इन हैंड 4800. बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक का क्रेडिट बैलेंस. दिए कैश बुक में क्रेडिट साइड जाएगा 30,400. तो कैश इन हैंड 4800. फर्स्ट मई को ही बैंक ओवरड्राफ्ट दिए, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम में 30,400. नेक्स्ट लो बच्चों, 2 मई को फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. प्रोप्राइटर ने और कैपिटल लगा दिया बिजनेस में 20,000. तो फर्म में कैश आया रिसीप्ट साइड, टू कैपिटल अकाउंट कैश में, कैश कॉलम में 20,000. डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करे कितने 15,000. तो डिपॉजिट करने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में कैश जमा कर रहे हैं. टू कैश अकाउंट बैंक में 15,000, बाय बैंक कैश में 15,000, कॉन्ट्रा एंट्री. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट. महेश को उधारा सामान बेचा है, तो कैश बुक में क्रेडिट की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, इस एंट्री को छोड़ देंगे. 5 तारीख की एन अमाउंट ऑफ ₹4200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड. लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर अशोक ने हमारे 4200 हमसे लिए थे, हमारे देने थे, वो नहीं दे रहा था. तो लास्ट ईयर हमने उसको बैड डेट एज्यूम कर लिया था कि हमारे पैसे बैड डेट हो गए, अशोक हमें नहीं दे रहा. अब 5 मई को ये अमाउंट रिकवर हो गया, मीन्स हमें जो अशोक है वो डूबा हुआ पैसा बैड डेट अमाउंट हमें वो वापस मिल रहा है. तो इट मींस कैश आ रहा है हमारे पास. तो रिसीप्ट साइड एंट्री टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 4200, कैश आया. 6 तारीख की एंट्री विदड्रू फ्रॉम बैंक. अब ये सपोज कर लो आगे कुछ नहीं लिखा, बैंक से निकलवाया, तो बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री थी. लेकिन अब देखो पर्पस साथ दे दिए, बैंक से क्यों निकलवाएं, फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. मालिक ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है LIC को, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है बच्चों. ये लाइफ वर्ड ना होता तो ये फर्म का एक्सपेंस था. अब ये किसके लाइफ का इंश्योरेंस करवाया, मालिक ने, प्रोप्राइटर ने अपनी लाइफ का कराया है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है. तो बाय ड्रॉइंग्स बैंक से निकलवाया उसने 3,000 पर्सनल एक्सपेंस है प्रोप्राइटर का. 8 तारीख की एंट्री रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम महेश. महेश से चेक मिला 6,000 का. ये देखो बच्चों, हमने गुड्स बेचे थे महेश को 6200 के, ये एंट्री नहीं करी थी क्योंकि उधार बेचे थे. अब यहाँ देखो 8 तारीख को हमें चेक मिल रहा है महेश से. रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम महेश 6,000. बेचे थे 6200 के गुड्स, हमें महेश से कितने का चेक मिल रहा है 6,000 का. और वो क्या कह रहा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. 6200 के बदले में हमें मिल कितने रहे हैं 6,000, और महेश कह रहा है तेरा मेरा हिसाब बराबर. मतलब अब महेश हमें 200 की पेमेंट नहीं देगा. तो 200 क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, डिस्काउंट. और डिस्काउंट की जर्नल प्रॉपर में एंट्री करते हैं. और ये जो 6,000 का चेक मिल रहा है ये हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया है. यदि बैंक में जमा ना कराया होता तो इसकी एंट्री नहीं होनी थी कैश बुक में. 6,000 का चेक मिला 8 तारीख को, और 8 तारीख को ये जमा कर दिया है, तो करो एंट्री टू महेश बैंक में 6,000, क्योंकि 8 तारीख को चेक आया, 8 तारीख को ही बैंक में जमा हो गया. तो 8 तारीख को बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया. 10 तारीख की एंट्री सोल्ड गुड्स टू वरुण. वरुण को सामान बेचा उधारा, कोई एंट्री नहीं करेंगे. 30,000 का सामान बेचा, वरुण ने अभी पेमेंट देनी है. 12 तारीख की एंट्री लो रिसीव्ड ए चेक. लो हमें चेक मिल भी गया 28,000 का चेक.
सामान बेचा था 30,000 का, चेक रिसीव हो रहा है 28,000 का इन फुल सेटलमेंट। इट मीन्स वरुण अब 2,000 की पेमेंट हमें नहीं करेगा। ये 2,000 का बच्चों डिस्काउंट है, इसके जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री कर देंगे। अब कितने का चेक मिल रहा है ये देखो, 12 तारीख को 28,000 का। क्या ये चेक जमा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ चेक जमा। रिसीप्ट ऑफ चेक, चेक सिर्फ रिसीव हुआ है, 12 तारीख को बैंक में जमा नहीं हुआ, इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे कैश बुक में। रिसीप्ट ऑफ चेक विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सिर्फ चेक मिले, जमा नहीं हुआ, तो चेक रिसीव्ड की एंट्री क्या करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू वरुण। देखो कहीं पर भी बैंक नहीं है, कैश नहीं है, इसलिए कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। अब ध्यान दो, 15 तारीख को ये जो चेक मिला था 28,000 का, 3 दिन के बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम वरुण। जो चेक वरुण से मिला था उसको हम बैंक में भेज रहे हैं जमा करने के लिए। अब ये चेक बैंक में जमा हो रहा है, ये देखो अब 15 तारीख को बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, 2 चेक इन हैंड। जिस दिन चेक रिसीव हुआ कोई एंट्री नहीं, वो चेक किस दिन जा रहा है बैंक में, उस दिन एंट्री करेंगे। 15 तारीख को ये चेक हम बैंक में भेज रहे हैं, तो 2 चेक इन हैंड, बैंक का बैलेंस 28,000 से इंक्रीज हो गया। आगे वरुण चेक, ये लो 18 तारीख की एंट्री है, वरुण का जो चेक हमने बैंक में जमा कराया था रिटर्न्ड बाय द बैंक, बैंक ने रिटर्न कर दिया। क्या कह के? कि ये डिसऑनर हो गया, मीन्स वरुण ने से जो हमें चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि वरुण के अकाउंट में पैसा नहीं था, उसने हमें ऐसे ही चेक पकड़ा दिया था अमाउंट फिल करके, लेकिन उसका जो बैंक बैलेंस था वो ज़ीरो था। क्योंकि बैंक ने अपनी सर्विसेज पूरी दी हैं, इसलिए बैंक 25 रुपये बैंक चार्जेस के हमारे से ले लेगा। तो डिसऑनर हो गया चेक। जब चेक रिसीव होता है हमने कौन सी एंट्री करी थी? डेबिट साइड। अब चेक डिसऑनर हो गया तो अपोजिट साइड एंट्री हो जाएगी बाय वरुण, ब्रैकेट में डिसऑनर लिखो, चेक डिसऑनर हो गया और 28,000 का चेक डिसऑनर हुआ है और बैंक ने 25 रुपये और निकालनी है हमारे अकाउंट में से बैंक चार्जेस के नाम के। तो बैंक चार्जेस जो हैं वो जो आपका चेक वाला अमाउंट था उसमें ऐड हो जाएंगे और बैंक टोटल इतने विड्रॉ कर लेगा हमारे अकाउंट से। नेक्स्ट चलो बच्चों, रिसीव्ड ए चेक 6800 फ्रॉम विजय। विजय से 20 तारीख को एक चेक मिला, ध्यान देना एक चेक मिला ही है अभी। वही चेक 20 तारीख को विच वॉज एंडोर्स्ड टू अमृतराज ऑन 23 मई, ध्यान दो 20 तारीख को एक चेक आया, क्या बैंक में जमा हुआ? नहीं हुआ, कोई एंट्री नहीं 20 तारीख की। फिर 3 दिन हमने अपने पास रखा, 23 तारीख को ये चेक उठाकर हमने आगे किसी और को, किसी और को मीन्स अमृतराज को, ये 6800 का चेक आगे दे दिया। चेक आया और चेक गया, क्या कैश या बैंक की कहीं इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं, तो ये एंट्री भी नहीं होगी। जो चेक आया वो 23 मई को हमने आगे दे दिया, तो बैंक और कैश तो आया ही नहीं बच्चों कहीं। तो एंडोर्समेंट जब आप किसी को चेक दे रहे हो इसकी भी जर्नल प्रॉपर में एंट्री बन जाएगी। एंड 20 मई को चेक आगे जा रहा है तो चेक गया, जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट हो जाती है। किसको दे रहे हैं? अमृतराज को। अमृतराज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, मीन्स ये एंडोर्समेंट की एंट्री भी कैश बुक में नहीं आएगी। चेक रिसीव हुआ बैंक में जमा नहीं हुआ तो कैश बुक में नहीं होगी, जर्नल प्रॉपर में एंट्री बनेगी। वो चेक आगे किसी को एंडोर्स कर दिया उसकी भी कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, उसकी भी जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री हो जाएगी। 25 तारीख की एंट्री, विदड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से निकलवाए हैं 5,000। अब अभी तो लग रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री है, लेकिन अब आगे देखो, फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे, अपनी बेटी को बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए प्रोप्राइटर ने बैंक से निकलवा ली है, तो पर्सनल यूज़ का एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है ये। 5,000 बैंक से निकलवाए हैं 25 तारीख को बाय ड्रॉइंग्स, 5,000 बैंक कॉलम में। नेक्स्ट चलो, बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर, गुप्ता जनरल स्टोर से गुड्स खरीदे हमने 10,000 के ऑन क्रेडिट, कोई एंट्री नहीं होगी, हमने पेमेंट नहीं दी। और डिस्काउंट कितना मिला हमें?
25%, यानी कि 10,000 का 25% 2,500, यानी कि अभी हमने 7,500 गुप्ता जनरल स्टोर के देने हैं गुड्स उधारा खरीदे अभी हमने 28 तारीख को, 2 दिन के बाद अब हम पेमेंट कर रहे हैं गुप्ता जनरल स्टोर की। 10,000 का 25% 2,500 मतलब 7,500 पे करने थे पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर। हम पे कितने कर रहे हैं बच्चों? हम पे कर रहे हैं 7,000। इट मीन्स 500 रुपये का डिस्काउंट हम ट्रीट करेंगे और डिस्काउंट की जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। तो हम जितना पे कर रहे हैं उतने की के ही एंट्री करेंगे। हम कैश पे कर रहे हैं 7,000, तो कैश कॉलम में कर देंगे बाय गुप्ता जनरल स्टोर, कैश कॉलम में 7,000। नेक्स्ट चलो, सोल्ड ऑफ ओल्ड मशीनरी, हमने ओल्ड मशीनरी बेची है और पेमेंट कैश मिली है हमें, तो रिसीव्ड साइड की एंट्री है 72 मशीनरी, कैश में 7,700 कैश आया है। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी दी है चेक से 1,500, बाय सैलरी बैंक में 1,500। पेड रेंट 30 तारीख की 2 ट्रांजैक्शन है, रेंट पे करा है कैश में 2,200, बाय रेंट कैश कॉलम में आ जाएगा 2,200। नेक्स्ट, पेड इनटू करंट अकाउंट। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, करंट अकाउंट मींस बैंक में जमा हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है जिसको हम लोग बैंक वर्ड बोलते हैं, बिजनेसमैन ऑलवेज बैंक में करंट अकाउंट ओपन करता है। तो यूजुअली हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें वर्ड था पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक वर्ड लिखाओ या करंट अकाउंट लिखाओ बात एक ही है, क्योंकि बिजनेसमैन का जो अकाउंट बैंक में होता है वो करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन का। तो बैंक में डिपॉजिट कराए, कॉन्ट्रा एंट्री है, बिल्कुल है। क्या जमा कराया बैंक में? द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस, सारा का सारा बैंक बैलेंस, कैश का बैलेंस जमा करना है 5,000 ऑफिस में रखने के बाद, आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस, अपने ऑफिस में अपनी शॉप पे 5,000 रखने के बाद जितना एक्सेस अमाउंट कैश बैलेंस का है वो हमने बैंक में डिपॉजिट करने हैं। तो बच्चों पहले 30 तारीख तक यानी कि यहाँ तक हम पहले कैश का बैलेंस निकालेंगे कि हमारे पास कैश का कितना बैलेंस पड़ा है। यहाँ पे चेक करो, इधर देखो ये कैश यहाँ तक, ये 1, 2, 3, 4 टोटल करो कैश कितना आया 36,700, ये डेबिट साइड का टोटल है। कैश में पेमेंट्स कितनी गई हैं हमारे पास, हमने यहाँ तक करना 31 की नहीं कर रहे अभी, हम 30th डेट की, हमारी ये 15,700 और 2,200 हमारे पास पेमेंट कितनी गई है, क्रेडिट का टोटल देखो 24,200, इतना आया है और इतना गया है। इट मीन्स कैश बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास खर्चे करने के बाद, ये कैश 12,500 ये कैश बैलेंस है। वो कह रहे 5,000 रिटेन एट ऑफिस, 5,000 ऑफिस में रखो, रख दिए ये लो। इसका मतलब इस 5,000 से ऊपर का जो अमाउंट होगा यानी कि 7,500 ये हमने बैंक में डिपॉजिट करनी है। इट मीन्स 7,500 से कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे हम, और कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है डिपॉजिट करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश, ये देखो टू कैश बैंक में 7,500, बाय बैंक कैश में 7,500। ये हम 2-3 बार हम कर चुके हैं ये वाली एंट्री कि जो एक्सेस अमाउंट है कैश बैलेंस का वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ये देखो। अब एज यूजुअल बच्चों पोस्टिंग करो, कैश का टोटल यहाँ लिखो 36,700, कैश क्रेडिट का टोटल लिखो 31,700। देखो ये साइड छोटी है, आया ज़्यादा है गया कम है, इट मीन्स ये साइड छोटी है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। ये जो 5,000 आपको लास्ट में दिया था एक्चुअली ये आंसर होता है कैश बैलेंस का। बैंक में टोटल आया कितना 56,500, बैंक से खर्चे निकले कितने 67,925। देखो बैंक में आया है 56,500 और बैंक से पेमेंट हुई है 67,925। अब बच्चों देखो हैवी साइड ये है, ये है लेसर साइड, जो साइड छोटी होती है बैलेंस कैरिड डाउन वहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये साइड कितने से छोटी है इसमें से ये माइनस करो 11,425 रुपये, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये बैंक के देने हैं हमने,
ये अभी भी 5,000 कैश पड़ा है फर्म के पास, ये फर्म ने देने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो बैलेंस, ये टोटल इक्वल आ गया दोनों साइड्स का, मंथ क्लोज करो डबल लाइन लगाकर, ये कैश का बैलेंस इधर आएगा और बैंक का बैलेंस इधर जाएगा। तो मई का महीना था, कैश का और बैंक का बैलेंस 1 जून को आगे जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,000, ये बैंक का बैलेंस था 1 जून को बैंक कॉलम में, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बच्चों इस सम को दोबारा खुद अपने आप प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय।